अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास यानी कि एक ही ड्राइव है सी, तो इसमें आपकी विंडो है और डाटा भी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते ये सोच रहे हैं कि कहीं विंडो क्रैश हो जाए तो मेरा इसमें जितना भी डाटा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने एक और ड्राइव बना सकते हैं, यानी कि शेयर कर डिवाइस कर सकते हैं, एक और न्यू वॉल्यूम भी बना सकते हैं ड्राइव का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक मैंने किया तो ये डाटा बॉक्स आया। इसके बाद आपने नीचे ये देखे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे करेंगे ये देखिए आपके सामने सी पार्टीशन आ गई है आपकी। तो इस पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शेयर वॉल्यूम में चला जाना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम के बाद आपके सामने कुछ है डाटा बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है आपके पास मेमोरी कितनी है, कितनी स्पेस फ्री है। ये देखे ये आपको बता रहा है ऊपर, ठीक है, तकरीबन ये 70,814 MB आपकी फ्री है। इसमें से आप 10 GB की, अगर 20 GB की आपके करना चाहते हैं या 20,000 MB की आप एक ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप अगर मैं आपको 20,000 MB की क्या करना चाहता हूँ ड्राइव बना के दिखाता हूँ। अपने यहाँ पे लिख देना है 20,000, मैंने 20,000 लिख दिया सिंपली। और आपने सिंपली आपके नीचे आ गए शेड पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए अभी थोड़ी कुछ देर बाद आपके सामने के न्यू वॉल्यूम क्रिएट होगा। ये देखें ये 19.53 GB का क्या हो गया है, ये पार्ट हो गया। लेकिन अभी ये पार्ट है हो तो गया लेकिन चल ही नहीं है। चलाने के लिए इसको करना पड़ेगा न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये ऐसे पूछेगी आप इतने ही की बनाना चाह रहे हैं जी, तो आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट। ये ई वॉल्यूम इसको नेम दे रहा है, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, मैं ई ही रख रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि सी नहीं आएगा क्योंकि सी के पहले वॉल्यूम मेरी वॉल्यूम बन चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो ये देखिए ये मेरा फॉर्मेटिंग आ गया है। ठीक है, और इसको ई का नेम भी मिल गया है। अब जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ देखिए मेरी ई वॉल्यूम, ये देखिए नीचे भी आपके पास ऑप्शन आ गया है कोने में कि न्यू ई वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरी न्यू वॉल्यूम क्रिएट होके आ गई है जी। तो कैसे लगी वीडियो आपको ये? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, ये देखें अब आपके पास जो फ्री रह गई है वो 73 GB रह गई है सिर्फ। ठीक है, यानी कि ये 128 GB की